गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और अभी मैंने 15 डेज विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसका पार्ट वन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसमें मैंने बताया था कि एक हर्बल ऑयल कैसे बनाना है जिससे कि आपके बाल बेहद खूबसूरत हो जाएंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक हेयर मास्क आपको कैसे बनाना है, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके बाल न सिर्फ खूबसूरत दिखेंगे बल्कि बेहद हेल्दी हो जाएंगे। लॉन्ग और थिक तो होंगे ही, साथ ही साथ मजबूत भी होंगे। उस हेयर मास्क को अप्लाई कैसे करना है वो मैं पहले ही बता दूं आपको। जो मैंने पार्ट वन में ऑयल बताया है उसको 2 घंटे लगाने के बाद इस मास्क को लगाना है। हाफ एन आवर आपको लगा के रखना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना और आपके बाल हो जाएंगे बेहद खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं उस मास्क को बनाते कैसे, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो आपके बालों पे काम कैसे करेगा। 15 डेज विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज का पार्ट टू वीडियो, जिसमें मैं एक हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। तो चलिए सीधे सीधे हम इंग्रेडिएंट पे आते हैं, प्रोसेस पे आते हैं, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहला बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट होगा, जिसपे मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। उसको लगाने के बाद मेरे बालों में कभी कोई परेशानी नहीं आई। ये भृंगराज का पाउडर, 1 चम्मच हम भृंगराज लेंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि भृंगराज को अगर आप रेगुलरली डाइट में लेते हैं और बालों में लगाते हैं तो इसका फायदा आपके बालों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो 1 चम्मच हमने भृंगराज पाउडर लिया है। सेम क्वांटिटी में हिबिस्कस का पाउडर हम लेंगे, सेम क्वांटिटी में ये ब्राह्मी का पाउडर, और सेम क्वांटिटी में आंवला पाउडर। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर ऑयल, ये एक एसेंशियल ऑयल है। अगर ब्लैक पेपर ऑयल आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो 1 ब्लैक पेपर, 1 या 2 कॉर्न जो होते हैं उसको ग्राइंड करके आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट होगा ये मेथी पाउडर। ये हो गए आपके सारे इंग्रेडिएंट पूरे। अब मैं बता दूं कि पंच क्या है। हर्बल पाउडर्स को मिक्स करके मैंने पहले भी कई ऐसे हेयर मास्क आपको बताया है। इसको स्पेशल बनाएंगे कुछ एसेंशियल ऑयल, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे और वो आपके बालों पे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि एसेंशियल ऑयल बस 2-3 बूंद डालने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही गेम चेंजर होता है। तो इसी वजह से ये वाला हेयर मास्क बहुत स्पेशल है। इसका जो पेस्ट है हम दूध से या पानी से या फिर कर्ड से बना सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो दूध या कर्ड इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो पानी इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ एसेंशियल ऑयल्स। अब इसको स्पेशल क्या बनाएगा वो चीजें आप देख लीजिए अच्छे से। 1 चम्मच हम रोज वाटर ऐड करेंगे, इसकी जगह आप हिबिस्कस वाटर भी ऐड कर सकती हैं। इसमें कुछ बूंदे जाएगा जिंजर रूट ऑयल, जो एक एसेंशियल ऑयल है, ये थोड़े से लैवेंडर ऑयल और ये थोड़े से एवोकाडो ऑयल। ये तीनों ऑयल इसको बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाएंगे, आपके बालों के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स उसको ट्रीट करेंगे, लंबा और घना बनाएंगे। अगर आप चाहें तो जो ये मास्क है इसका पेस्ट आप कोकोनट पेस्ट में भी बना सकते हैं, इसका फायदा और भी ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको ज्यादा मुसीबत नहीं देना चाहती, इसलिए आप सिंपली इसको आप दूध दही या कोकोनट मिल्क या फिर सिंपली वाटर से बना सकते हैं। ये आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा, रीजन ये कि इसमें हमने डिफरेंट तरीके के एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं। तो ये हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा। अब मैं बता दूं इसको अप्लाई कैसे करना है। या तो जो आपने पार्ट वन में ऑयल बनाया है उसी को इसमें डाल दीजिए और अप्लाई कर लीजिए, या फिर उस ऑयल को अप्लाई करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है जो पार्ट वन में मैंने ऑयल बताया था। उसके बाद इस मास्क को पूरे हेयर रूट्स में लगाइए, थोड़े बहुत बालों के लेंथ में भी लगाइए। 2 घंटे अच्छी तरह से छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद पोस्ट कंडीशनर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये प्री कंडीशनर है। उसके बाद थोड़ा सा सीरम लगाकर आप अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हैं, लेकिन कंडीशनर ना लगाएं। तो इसको अप्लाई कीजिए वीक में कम से कम 2 बार और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो पार्ट वन में जो मैंने ऑयल बताया था और ये पार्ट टू का हेयर मास्क, दोनों को कंबाइन कीजिए और अपने बालों को हमेशा के लिए लंबा, घना और हेल्दी बनाकर रखिए। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना, जितना आसान ये बनाना था इसका असर उतना ही जबरदस्त आएगा। ये आप पहले ही वीक में देख सकते हैं। वीक में आपको 2 बार एप्लीकेशन करनी है इस ऑयल का और इस हेयर मास्क का। पार्ट वन का जो ऑयल है और साथ ही साथ पार्ट टू का जो मास्क है, दोनों को सेम डे लगाना है, वीक में 2 बार लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं तो आप वीक में 3 दिन भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। यानी 15 डेज में दोनों रेमेडीज को आपको कम से कम 5 बार लगाना है, और उसके बाद आप आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर आप पूरे विंटर इसको कंटिन्यू कीजिए। 15 दिन के बाद भी नेक्स्ट 15 डेज लगा के देखिए और रिजल्ट क्या आता है हमें जरूर बताइए। होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।